हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, ITI पास ट्रेनर्स के लिए जो ITI पास कर चुके हैं उनके लिए IOCL की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए इसे देख लेते हैं। टाइप किए www.IOCL.com। इसके लिए ड्रैग किए यहाँ पे, देख रहे हैं आप सब, यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और ये जो यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड कर दिया, डाउनलोडिंग हो रहा है और ये खुल करके हमारे सामने ऐसे आ चुका है जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नोटिफिकेशन हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। इंडोनल कॉरपोरेशन लिमिटेड वेस्टर्न रीजन के लिए है। आइए देख लेते हैं। वेस्टर्न रीजन के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दादरा नगर हवेली, ये सब आने वाला है। और देख सकते हैं महाराष्ट्र में डिसिप्लिन कोड और डिसिप्लिन और जो ट्रेड यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और ये ट्रेड फीटर, इलेक्ट्रीशियन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है कि ITI के साथ मैट्रिक के साथ 2 वर्षों का ITI, और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंतर्गत अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 26, SC कोटे में 5, ST में 4, OBC में 13, PWD नीले, और टोटल इस तरह से करके टोटल 48 दिया गया है। ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंट के लिए ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में, ऐसे करके ये महाराष्ट्र का ये वैकेंसीज हैं। और आइए गुजरात में हम लोग देख लेते हैं। गुजरात के लिए यहाँ पे जो कोड वगैरह अप्लाई करना है, यहाँ पे आप फॉर्म भरते वक्त अप्लाई कर लेंगे। ट्रेड अप्रेंटिस फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ऐसे करके यहाँ पे जो दिया गया विधिवत नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। गुजरात, ऐसे करके गोवा, फिर बढ़ते हैं आगे दादरा नगर हवेली और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे बढ़ते हैं। उम्र की सीमा जो रखी गई है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष, 31 जनवरी 2019 तक ये प्रकलित किया जाएगा। और पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 12 मंथ यानी 1 ईयर का है। और सिलेक्शन मेथड जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा। बताया जाता है कि विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि सावधानीपूर्वक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फॉर्म को अप्लाई करें। और फिर आगे जो नोटिफिकेशन है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, और वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जिसे आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। या ऐसे मैं शुरू से बताया हूँ कैसे इसको डाउनलोड करना है, वहाँ से देखना है। अंत में बताते चलूँ कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23/2/2019, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/3/2019, और जो रिटन टेस्ट है वो आपको सूचित किया जाएगा, और जो इंटरव्यू टेस्ट है और कहाँ होगा और कब होगा इसको भी सूचित किया जाएगा। लास्ट में बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाएगा उसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने एवं चैनल को सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपसे चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए।